आज हम चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुड्डू भैया के साथ। उन्होंने बताया कि अपन शिवलिंग वितरण करने वाले हैं सोमवार से, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। जी, हम लोग जगह जगह कोरोना की वजह से हमारे वहाँ ये कावड़ यात्रा नहीं निकली है और वहाँ मंदिर भी दर्शन में बैन है। हम लोगों ने घूम घूम के सोचा कि बातचीत की तो सब लोगों ने कि लॉकडाउन की वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि 51,000 घरों में हम लोग शिवलिंग की स्थापना कर पाएंगे और पूजा पाठ घरों पर करेंगे। उसके तहत ही आज हमने रजिस्ट्रेशन करीब 51,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 65,000 लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन और आते जा रहे हैं, तो 71,000 घरों पे हम लोग शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और उसके वो जो हमारे वहाँ पे यज्ञ हो रहा है महाकाल में, उसके तो उसको हम घर घरों में सोमवार से उनका विराजित करवाएंगे और 65 जोनों में हम लोगों ने बांटा है और हर 12 जोनों को रोज, तो करीबन हम 5 दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर पूरे घरों पे स्थापित करवा देंगे भगवान। और ये प्रार्थना करेंगे कि जो कोरोना आया है उस बीमारी से हम लोगों को मुक्त करें, पूरे देश को विश्व को उससे मुक्ति मिले, इसकी आराधना और प्रार्थना हम लोग करेंगे। तो शिवलिंग के साथ और क्या सामग्री पूजन कुछ नहीं, पूजन सामग्री है पूरी उसके साथ में, हम लोग थाली भी दे रहे हैं, थाल भी दे रहे हैं, पूजन सामग्री भी दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रसादी भी पहुँचाएंगे जब पूरी जाप पूरे हो जाएंगे राखी पे। राखी के बाद हम लोग बाकी भी जो है सामग्री घर पर वितरित करेंगे। जी गुड्डू भैया, एक अभी बीच में मामला आया था मंडलागढ़ डैम का, तो उसके बारे में बताएं। नहीं, मंडलाओं का डे में क्या गमारी हो रही है, पहले बह गया टूट गया ढाई, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होने की बजाय उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं की गई है और उसके बाद 2.5 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई चुनाव के चक्कर में। आज आप सोचो कि 12 इंच पानी गिर गया है तो वो कौन सा मंडलाओं का डैम बन जाएगा, वो कौन सा पानी रुक जाएगा, फिर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी थी और ये बह तो गए साल ही गया था और इस बीच में बन जाना चाहिए था, आज भी चुनाव में